शिवजी जी चैनल में आपका स्वागत है और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेहतर करें जिससे आपको हमारे वीडियो मिलते रहे। देखिए मित्रों, मैं आज आपको जो खास प्रोफेसर शिवजी जी के मित्र हैं उनको हम विशेष जानकारी दे रहे हैं और बताएंगे कैसे ज्ञान पढ़ते हैं। बच्चे जो वहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ थ्योरी पढ़ के आते हैं, उनको ज्ञान की पता नहीं रहता है और ज्ञान जो है थ्योरी से अलग होता है। तो देखिए मित्रों, पहले क्या करते हैं उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। कब यस बंद करें, यस यस लाओ जान। देखिए पहले ये करेंगे, इसका जनरल पढ़ेंगे। जनरल जनरल में क्या पढ़ते हैं, इसका जनरल अरेंजमेंट्स। देखिए ये क्या होता है, जनरल अरेंजमेंट्स होता है। देखिए इसमें लिखा रहता है, इसको पहले हम पढ़ते हैं। ऑल डायमेंशन एंड लेवल्स आर इन मीटर अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। रिटन डायमेंशन शैल नॉट बी स्केल्ड फ्रॉम द ड्राइंग। ये कह रहा है कि जितने इसमें डायमेंशन हैं वो मिलीमीटर में है और लेवल्स जो है हमेशा मीटर में होता है। लेवल्स जिसे रिड्यूस लेवल आरएल बोलते हैं वो मीटर में लेते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है रिटन डायमेंशन शैल नॉट बी स्केल्ड फ्रॉम द ड्राइंग्स। मतलब बहुत लोग जो रिटन डायमेंशन शैल नॉट बी स्केल फ्रॉम दी, जो मतलब जो ड्राइंग दिया हुआ रिटन डायमेंशन शैल नॉट बी स्केल्ड फ्रॉम द ड्राइंग, मतलब जो डायमेंशन है वो हमको उससे, जैसे उसमें मान लीजिए हमको 10 सेंटीमीटर कोई लाइन खींची है तो उसमें हम 10 सेंटीमीटर लाइन को हम 10 मीटर नहीं पढ़ेंगे। उसमें वहाँ पर अगर 10 मीटर दिया हो तो 10 मीटर पढ़ेंगे। डिजाइन क्राइटेरिया, देखिए इसमें कौन कौन सा, ये ब्रिज का है, ब्रिज का मतलब इंस्ट्रक्शन है, इसमें कौन कौन सा कोड यूज किया गया है। तो ये दे रहा है IRC 78 यूज किया गया है, IRC 78 यूज किया गया है, ASP 13/2004 यूज किया गया है, IRC 6/2017 यूज किया गया है, IRC 112/2011 यूज किया गया है, IRC 83/2015 Part 3 यूज किया गया है। इनको हम इनका डिटेल आपको बाद में बताएंगे कि ये किससे संबंधित है। ये देखिए डाइग में लिखा रहता है IRC 83 Part जो होता है, आपको बता दें पार्ट ये बियरिंग से संबंधित होता है। किस टाइप का बियरिंग है, मेटालिक बियरिंग है कि गाइड बियरिंग है, उससे मतलब रहता है। द डिजाइन आर एप्लीकेबल फॉर मॉडरेट कंडीशन एक्सपोजर का सिस्मिक जोन। ये सिस्मिक जोन होता है, तीन जोन होते हैं, एक होता है Seismic 1, Seismic 2 और Seismic 3। तो इन जोनों के बारे में भी मैं आपको बात बताऊं क्या होता है, इसमें किस टाइप का लोड यूज किया गया। वन लेन ऑफ क्लास 70R विथ वन लेन ऑफ क्लास A लोडिंग, ये टाइप ऑफ लोडिंग होता है। मतलब उस पर जो गाड़ियां चलेंगे कितना लोड लेके चलेंगी। थ्री लेन ऑफ क्लास A फॉर थ्री लेन, जैसे टू लेन होता है थ्री लेन होता है, थ्री लेन वन लेन कितने होता है 2.75 मीटर चौड़े होता है वन लेन, टू लेन हो गया 7.5 मीटर 7.5 मीटर वन लेन IRC SP लोडिंग्स। ठीक, अब देखिए FRL मतलब फिनिश रोड लेवल्स कंसीडर एज ए प्लेन एंड प्रोफाइल, मतलब प्लेन, इसका प्लेन एंड प्रोफाइल कोई भी चीज होता है उसका सर्वे होता है एग्जिस्टिंग रोड का, और उसमें क्या अलाइनमेंट में चेंज होता है, क्या वर्टिकल कर्व में क्या चेंज होता है, क्या हॉरिजॉन्टल कर्व में चेंज होता है, क्या रीअलाइनमेंट होता है। तो प्लेन एंड प्रोफाइल में उसमें एल सेक्शन क्रॉस सेक्शन में सब दिखाया रहता है। तो FRL उससे हम आप देखेंगे प्लेन एंड प्रोफाइल, हालांकि ब्रिज का FRL दिया रहता है फिनिश रोड लेवल, लेकिन और उससे अप्रोच वगैरह जो भी रोडे जा रहे हैं उसमें काइंडली वेरीफाई द सेम बिफोर स्टार्टिंग एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क।